हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एमएस वर्ड का एडवांस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग एमएस वर्ड का पार्ट 8 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा पार्ट 9 पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग समझेंगे एमएस पेंट में थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। एमएस पेंट में थंबनेल कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो एमएस पेंट में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, थंबनेल भी हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करें, अगर आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग नहीं आता, फिर भी अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो थंबनेल हमने एमएस पेंट में ही बनाया है और इसमें लाइव आप लोगों को बताएंगे एमएस पेंट में इस तरीके से कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाना है, ये सब कहाँ से डाउनलोड्स करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे थंबनेल रेडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं कर लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं थंबनेल कैसे बनाते हैं एमएस पेंट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेना है। सबसे पहले एमएस पेंट ओपन कर लिए हम लोग और क्या करना है, आपका इंटरनेट कनेक्शन देख लेना है ऑन है कि नहीं है। अगर आपको जस्ट देख सकते हो मेरा यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है, मेरा कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर आपको कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट नहीं करने आता है तो सीख जाइए, उसको ज़रूरी है। अगर नहीं सीखे हैं तो इसी सीरीज़ में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सिखा देंगे कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल तो गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और जैसे मैं ये सर्च कर लेता हूँ कि यूट्यूब का थंबनेल का साइज क्या होता है, तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया यूट्यूब थंबनेल साइज, ताकि आप लोगों को बता सकें इतना इसका साइज रहता है, ताकि एमएस पेंट में हम लोग ऐसे साइज ले सकें। जैसे देख सकते हो 1280x7 पिक्सल इसका साइज है, उसका विड्थ हो गया 1280 और उसका हाइट हो गया 720। तो हम लोग पेंट पे आते हैं, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इसका विड्थ रख देते हैं 1280 था हमारा 1280 और उसका हाइट था, हाइट तो वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 780 और यहाँ से इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूट्यूब का थंबनेल का साइज हो गया है। अब यहाँ पे जो भी बनाएंगे इसको सेव करेंगे और थंबनेल में अगर अपलोड करते हैं, थंबनेल आप लोग नहीं जानते हो क्या होता है, तो यूट्यूब में आप जो देख रहे हो वहाँ पर स्टार्टिंग में देखते हो और उसी पर देख पे क्लिक करते हो, वही आपका थंबनेल रहता है। तो उसी थंबनेल को यहीं पर बनाना सीखेंगे, डिज़ाइन करना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ये हमारा एमएस पेंट का बेस्ट प्रोजेक्ट है, थंबनेल प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हमने हिंदी टाइपिंग सेट कर लिया। अगर आपने हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में कैसे करते हैं नहीं देखा है उस वीडियो को, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, ताकि हिंदी टाइपिंग को आप लोग भी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सको कैसे करना है और फिर उसको ताकि सीख सको हिंदी टाइपिंग भी, ताकि अगर आपको हिंदी टाइपिंग भी नहीं आता है, ताकि आप कीबोर्ड को देख देख के हिंदी टाइपिंग भी सीख जाओगे। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो हमारा जो थंबनेल हमने बनाया है, क्या कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करें, उसके लिए एक थंबनेल बनाना है हम लोगों को। तो चलिए इसी में लिख लेते हैं, वो जो थंबनेल हमारा रहेगा तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करें। अगर आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं आता तो हम लोग ये लिख लिए, क्योंकि अगर आपका इस वीडियो को नहीं देखा है टाइपिंग इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप जाकर इस वीडियो को पहले देखो और हिंदी में टाइपिंग करना सीख जाओ, क्योंकि हमारा हिंदी में लिख रहे हैं इसको, एमएस पेंट में हिंदी में कैसे लिखना है उस वाले वीडियो में बताया गया था, ताकि हिंदी टाइपिंग कैसे किए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो हम लोग थंबनेल बनाना है इसको अच्छे से लिख लिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं स्पेस करके थोड़ा सा उसको सेंटर में लाया, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा सा दिखने में भी थोड़ा प्रोफेशनल लगे। थोड़ा सा यहाँ से आके इंटर पे क्लिक कर दिया, इंटर पे क्लिक कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस करके उसको भी सेंटर में ले आया। तो इस तरीके से अब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा फ़ॉन्ट कलर दूसरा रख देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करता हूँ 48 के आसपास, ताकि थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया और इसको पकड़ के थोड़ा सा सेंटर में रख देंगे और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज और बढ़ा के देखते हैं, ताकि और थोड़ा सा बड़ा किया जा सके। मेरा हिंदी ही, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको विंडो स्पेस के साथ, हिंदी से इंग्लिश में आप लोग चेंज कर सकते हो विंडो की और स्पेस की सहायता से। तो मेरा ये थोड़ा सा डिसअरेंज हो गया, मैं पहले ही जैसा रहने देता हूँ कंट्रोल जेड, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज 50 थोड़ा सा और बढ़ा के देखता हूँ, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे, थोड़ा हमारा थंबनेल का साइज़ थोड़ा सा ठीक ठाक रहे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ये मेरा लगभग अब कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करें अगर आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग नहीं आता फिर भी, ये हमारा था, ये हमारा मेन वीडियो का है। इसको मैंने थोड़ा सा इसका पीछे का बैकग्राउंड ओपीक्यू पे क्लिक किया, पीछे का बैकग्राउंड कलर येलो रख दिया, क्योंकि येलो जो है, जो ब्लैक हमारा टेक्स्ट रहता है उस पर, जो बैकग्राउंड फिल येलो रहता है उस पर ज़्यादा हाईलाइट दिखाई देता है। तो हमने यहाँ तक सेट कर लिया, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से भी, इंटर कर ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ जा रहे हैं, तो इंटर नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा पास में रख देते हैं। ये हमारा एक पार्ट लगभग रेडी हो गया है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा इस साइड में अरेंज कर देते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ पिक्चर को भी ऐड किया जा सके।
और थोड़ा सा इस साइड से इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इधर से क्रॉप वाले टूल की सहायता से क्रॉप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे बड़ा ही रख देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बाद में थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हैं क्रॉप टूल की सहायता से। आप यहाँ पे जब तक एडजस्ट नहीं होता बाहर नहीं क्लिक करना है आपको, इसी टूल के ही अंदर रहना है, टेक्स्ट टूल के ही अंदर ही। जैसे ही आपका पूरा रेडी हो जाए उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है। जैसे देखो देख सकते हो मैंने अभी भी बाहर नहीं क्लिक किया है क्योंकि मेरा अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। मैं एडजस्ट ही कर रहा हूँ उसको ताकि अच्छा से अरेंज हो जाए, हमारा जो थंबनेल है थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, थोड़ा सा बढ़िया दिखे। तो आपको इसका अच्छा से प्रैक्टिस करते जाना है, इसका प्रैक्टिस फाइल भी आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी अगर दिक्कत रहता है तो कमेंट करना है, और ग्रुप में आप लोग शायद जुड़े हो गए, नंबर भी रखे हो गए, तो कुछ डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो ये हमारा लगभग रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोगों को गूगल क्रोम पे आना है, जो हम लोगों को डाउनलोड करना है, और हम लोगों को कुछ यहाँ पे डाउनलोड करना था, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल का लोगो। तो यहाँ पे हम लोगों गूगल पे टाइप कर लिए हैं, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, तो हमारा लोगो आ गया है। और इतना का मुझे स्क्रीन शॉट लेना है इस वाले पार्ट का, तो विंडो शिफ्ट और एस बटन दबाना है। तो इस तरीके से आपका स्क्रीन शॉट वाला ऑप्शन आ जाएगा, और एमएस पेंट में आके यहाँ पेस्ट कर देना है। कंट्रोल पी से कंट्रोल वी प्रेस कर दोगे तो वहाँ पे आपका पेस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे देखो मैं कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का लोगो आ गया। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट, हमने पेंट वाले में सीरीज़ में भी बता दिया था स्क्रीनशॉट कैसे लेना है करके। अगर उसका सीरीज़ नहीं देखा है आपने बेसिक से तो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। अब मुझे आप लाना है एमएस पेंट, एमएस पेंट का लोगो भी लाना है। तो एमएस पेंट लोगो लिख लिया, और जो लोगो लेना है मैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लूँगा। जैसे मुझे लेना है थोड़ा सा बढ़िया ये वाला लोगो का, इसको थोड़ा सा पूरा ही नहीं आया, परफेक्ट अच्छा से नहीं आया, तो उसके इसको मुझे नहीं लाना है, थोड़ा सा दूसरा। चलो ये लगभग ठीक ही है, हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है, हमारा परफेक्ट आ गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कॉर्नर से। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो शिफ्ट और एस बटन को प्रेस करना है। अब मुझे करना है कंप्यूटर लोगो, कंप्यूटर का कुछ लोगो चाहिए, कंप्यूटर लोगो पीएनजी सर्च किया मैं, और जैसे कि ये मेरा परफेक्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। विंडो शिफ्ट एस और यहाँ से स्क्रीनशॉट, और फिर यहाँ आके पेंट में आके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी बटन। तो पेस्ट हो गया, मैं कंप्यूटर को यहाँ रखूँगा तो ये जमेगा नहीं, तो इसके लिए फिर से ये देखो यहाँ पे नहीं जम रहा है। तो थोड़ा सा मैं जो ये लिखा हूँ हिंदी में लिखा हूँ इसको मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो इतना पार्ट्स को मैं थोड़ा सा सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कुछ पार्ट्स को मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ यहाँ से। पूरा ऑल सेलेक्ट कर लिया मैं, ऑल सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि मेरा पूरा पेज सिलेक्ट हो गया ऑल सेलेक्ट किया, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में रख देता हूँ, इसको वाइट कलर रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर येलो था तो येलो हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको राइट में थोड़ा सा ले जाता हूँ, राइट साइड, ताकि इधर मैं कंप्यूटर का इमेज ला सकूँ। तो कंट्रोल ए की सहायता से पूरा सेलेक्ट किया मैं, थोड़ा सा उसको राइट में ले जा रहा हूँ ताकि एडजस्ट हो सके अच्छा से, ताकि हमारा लोगो थोड़ा सा बढ़िया बन सके। यहाँ पे कंप्यूटर इतना पार्ट्स को मुझे सिलेक्ट किया, और डिलीट बटन डिलीट हो गया उतना पार्ट्स, इस वाले पार्ट्स को भी मैं डिलीट किया, सिलेक्ट किया डिलीट बटन, तो ये मेरा डिलीट हो गया। अब मैं कंप्यूटर को पकड़ के थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ ताकि यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है तो वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन किया फिर भी। तो थोड़ा सा इस जो कंप्यूटर लिखा है हिंदी में थोड़ा सा और उधर करते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल ए किए ऑल सेलेक्ट, थोड़ा सा और इस साइड ले जाते हैं ताकि वहाँ कंप्यूटर हमारा आ सके अच्छा से, जहाँ पे कंप्यूटर लिखा है। तो इसको फिर से मैंने सिलेक्ट वाले टूल से सिलेक्ट किया, और यहाँ से थोड़ा सा और उधर हम लोगों को ले जाना पड़ेगा, देख सकते हो नहीं आ रहा है। तो इसको मैं फिर से कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया, फिर से थोड़ा सा वहाँ पर इसको अटैच कर दिया ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वहाँ पर भी अच्छा से आ सके। स्केप बटन दबाया सिलेक्शन को हटाने के लिए, और फिर इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिर इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिया। अब इतना मेरा परफेक्ट आ जा रहा है, अगर देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर है, और यहाँ से पढ़ने में भी थोड़ा सा हमारा इतना को सिलेक्ट किया मैं, इसको राइट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रख दिया ताकि उसी के नीचे हमारा ये आ सके। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, वहाँ से हम लोग स्क्रीन शॉट कैसे ले रहे हैं, ये सब कैसे ला रहे हैं, यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग, तो यहाँ पर कंप्यूटर भी आ गया, तो देख सकते हो आप लोग। तो अब उसके बाद हम लोगों को लाना है कुछ और इमेजेस, तो चलिए हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा क्रोम ब्राउज़र की ओर, और कुछ सर्च कर लेते हैं। अब जैसे मुझे चाहिए कुछ इमेजेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाट मेन कार्टून पीएनजी। तो इस तरीके से वाट वाला मेन कार्टून पीएनजी इस तरीके से मेरा आ जाएगा, और मैं जो है ये वाले को ले लेता हूँ, ये ठीक है लगभग। इस पर क्लिक किया और थोड़ा सा इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। विंडो शिफ्ट और एस, विंडो शिफ्ट और एस बटन दबाएंगे तो इस तरीके से प्लस वाला ऑप्शन आ जाएगा। मुझे ये वाला तो नहीं चाहिए, गलती से मेरा हो गया था, तो फिर से कट कर दिया मैं। विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया, फिर यहाँ से प्लस है, इतना पार्ट्स को मुझे चाहिए सिलेक्ट किया, फिर एमएस पेंट में आ गए, यहाँ पेस्ट कर दिया उसको। कंट्रोल वी बटन, कंट्रोल वी प्रेस किया तो यहाँ पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे पे इसको रख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो नहीं रखूँगा, सबसे पहले यहाँ पर भी नहीं जम रहा है,
यहाँ पे भी नहीं जम रहा, थोड़ा सा बड़ा किया, देखो थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा इन वो हो गया, इसको ये राइट साइड में ही जम रहा है, तो ये राइट साइड में भी रख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा हाँ ये राइट साइड में ही लगभग ठीक लग रहा है, तो मैंने इसमें राइट साइड को एडजस्ट कर दिया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे और कुछ इमेज लाना है, तो फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा ए टूल से यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका कलर थीम भी रेड कलर रख लेंगे। तो यहाँ से मैं आया, यहाँ पे मुझे लिखना है हिंदी टाइपिंग इजी वे। हिंदी टाइपिंग इजी मतलब हिंदी में आप बहुत ही आसानी से इजी वे में टाइपिंग कर सकते हो, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हिंदी टाइपिंग अगर आपको नहीं आता है तो इजी वे से हिंदी टाइपिंग सीख सकते हो, उसका लिंक नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिए, उसमें आसान भाषा में 100% मैं बोल सकता हूँ कि आप उस वीडियो को देखोगे तो अपने सिस्टम में हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, आसान है उस वीडियो को। आप तो नहीं देखे हो तो उसको जाके एक बार देख लो, क्योंकि हिंदी टाइपिंग भी थोड़ा सा ज़रूरी है कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने लिया और फिर इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, क्यों ओपी क्यू पे क्लिक कर दिया, रेड कलर, कलर टू हमारा देख सकते हो वहाँ पे कलर टू रेड है और कलर वन मेरा वाइट है, इसलिए मेरा टेक्स्ट वाइट आ रहा है। और मेरा पीछे में रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कलर टू को रेड किया है और ओपी क्यू पे क्लिक किया है वहाँ पे। तो देख सकते हो मेरा हिंदी टाइपिंग ईजी, इसको अच्छा से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये लगभग मेरा हो गया, बाहर क्लिक कर दिया क्योंकि मेरा एडजस्ट हो गया, तो यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब हम लोगों को लाना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कलर टू को नॉर्मल कर देता हूँ, कलर वन को वाइट कर देता हूँ। और कलर वन को वाइट कर दिया हूँ तो कुछ लिखूँगा वो तो दिखाई नहीं देगा, तो कलर वन को मैं दूसरा कलर कर देता हूँ क्योंकि हिंदी पे आ गया, क्योंकि मुझे हिंदी में लिखना था। और कलर वाइट है तो वाइट पे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कलर उसको चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, देखो नहीं आ रहा है फिर भी, तो कंप्यूटर आ गया। फिर यहाँ पर मैं कलर चेंज करेंगे, थोड़ा फ़ोन साइज़ छोटा रख देते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो नहीं, तो फोन सही थोड़ा सा छोटा रख दिए। उसके बाद हम लोगों को अब समझना है, आप यहाँ पे भी कुछ मुझे यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर में, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं ताकि यहाँ पे टेक्स्ट आसानी से लिखा जा सके। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो यस ज़रूर लिखें, और कमेंट में कुछ वैल्यू मिल पा रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं। तो मुझे लिखना है यहाँ पे कंप्यूटर में बिना सीखे हिंदी टाइपिंग कैसे करें, कंप्यूटर में बिना सीखे भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, यही हमारा थंबनेल है और इसी का वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर नहीं देखा है तो जाके आप लोग ज़रूर देखें, उसमें बहुत ही बड़ी आसानी से बताया गया है, और कंप्यूटर में बिना सीखे हिंदी टाइपिंग करें, तो ये सही बात है, बिना सीखे भी हम लोग हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं उस टूल के माध्यम से, कुछ टूल्स दिया गया है उसके सहायता से। तो ठीक, यहाँ तक लिख लिए हम लोग, जैसे देखो मैं हिंदी में लिख पा रहा हूँ, कैसे लिख पा रहा हूँ उस टूल की सहायता से, तो आप भी इस टूल की सहायता से लिख सकते हो। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखो, तो जैसे वर्ड में लिखना है आपको, एक्सेल में लिखना है, पावर पॉइंट में लिखना है, तो वो भी कर सकते हो। ये इसी वीडियो में बताया, उसी का थंबनेल यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग ताकि उस वीडियो को अपलोड किया जा सके। अपलोड करेंगे तो वही वाला थंबनेल उसमें लगा सके, उस वीडियो में, उसी के लिए ये वाला थंबनेल बनाया जा रहा है। वर्ड हमारा ब्लू कलर का है तो इसको सेलेक्ट किया, ब्लू कलर कर दिया, एक्सेल को ग्रीन कलर क्योंकि ग्रीन कलर में है थोड़ा एक्सेल का लोगो, इसलिए ग्रीन। पावर पॉइंट तो थोड़ा ठीक ही है, रेड कलर का है, ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा, ये तो उसको वही कलर रहने देते हैं। अब थोड़ा सा नीचे रख देंगे ये थोड़ा सा, तो ये हमारा थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है। कंप्यूटर हिंदी कर लिए थोड़ा सा, और यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ तक समझ आ गया है। तो लाइक वीडियो को ज़रूर करें, अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो लाइक ज़रूर करें। कहीं पे भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, चाहे आप वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कहीं पे भी, तो कहीं पे भी बहुत ही बड़ी आसानी से कर सकते हो। 100% है दावा कि आप कर सकते हो हिंदी टाइपिंग। ये हो गया, रेड कलर कर दिए हम लोग। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है यहाँ पर, तो वहीं पर जो खाली खाली लग रहा है वहीं पर हम लोग लाते हैं। हमारा थंबनेल जो है लगभग 90% रेडी हो गया है, यहीं पर थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो वहीं पर हम लोग कीबोर्ड का सिंबल ले आते हैं। गूगल पे आ गया मैं, यहाँ पे कीबोर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश कर लिया टाइपिंग को, कीबोर्ड लिखा, कीबोर्ड पीएनजी इमेजेस सर्च कर देना है आपको इमेजेस। अब यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो जैसे ही हमारा कीबोर्ड आ गया है, कुछ कीबोर्ड का फ़ोटोज़ ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट, विंडो शिफ्ट एस बटन, जैसे कीबोर्ड और माउस दोनों है वही वाला ले लेते हैं, विंडो शिफ्ट एस, इस तरीके से स्क्रीनशॉट हो गया और हम लोग एमएस वर्ड में आ जाते हैं, एमएस पेंट में आ जाते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी बटन से, और ये देखो ये हमारा कीबोर्ड भी आ गया, और यहाँ से इसको थोड़ा सा
थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा छोटा, ताकि थोड़ा से वहाँ पे अच्छा से जम जाए। तो देख सकते हो हमारा थंबनेल लगभग पूरा रेडी हो गया है। इस तरीके से प्रोफेशनल थंबनेल एमएस पेंट में भी हम लोग बना सकते हैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखा के। तो एमएस पेंट भी बहुत अच्छा टूल है, बेस्ट डिज़ाइनिंग भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हो, कुछ कलर वगैरह नहीं लगाना है। मैंने ऐसे ही ट्राई करके देख रहा हूँ कि ये वाला बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ तो कैसे लग रहा है, लेकिन इस तरीके से लगा रहे हैं तो पहले ही लगाते तो ठीक रहता, लेकिन वाइट में ही ठीक रह लग रहा है वाइट बैकग्राउंड में। फिर फाइल को सेव कर देना है आपको, जैसे इतना काम किया हो तो अभी सेव नहीं करना है फाइल को, पहले से ही सेव करके काम करना है आपको। प्रोफेशनली काम करो इस तरीके से, तो क्योंकि मैं अभी इसको सेव कर रहा हूँ, आपको प्रोफेशनली पहले से ही फाइल को सेव करना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हैं, कुछ लाइट चला गया तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि एमएस का पेंट का फाइल है तो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, नहीं आता है एक बार लाइट चला जाता है। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप लोगों को एमएस पेंट में अच्छा से थंबनेल बना सकते हो। तो इसी थंबनेल को हम लोग अपने वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट करें। और ठीक, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।